नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का स्पोर्ट्स, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। आईपीएल में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ते जा रहा है। आईपीएल बहुत जल्द शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले संक्रमण कोरोना का लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। कई खिलाड़ी इसकी चपेट में हैं और आपको पता होगा कि सुरेश रैना ने इस बार आईपीएल ना खेलने का ऐलान कर दिया है और वो लौट आए हैं। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि हरभजन के खेलने पर भी सस्पेंस है। आप समझ सकते हैं कि सुरेश रैना के बाद अब हरभजन अगर नहीं खेलते हैं तो पार्टी को कितना नुकसान होगा। चेन्नई सुपर किंग के जो एक और खिलाड़ी हैं उनके भी खेलने पर सस्पेंस की बात आ रही है। दरअसल चेन्नई सुपर किंग्स के हेजलवुड ने भी यहाँ पर नाराजगी जाहिर की है। वो फिक्रमंद दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि कैसे इस बार हम खेलेंगे हमें खुद नहीं पता, क्योंकि आईपीएल में कोरोना का संक्रमण जैसे बढ़ा है उससे हर खिलाड़ी में एक डर है। सीएसके से जुड़े 13 सदस्यों के पॉजिटिव आने के बाद उनके खिलाड़ी बेहद परेशान हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि लीग के जो ब्रॉडकास्टर का एक क्रू मेंबर है वो भी पॉजिटिव पाया गया है, इसलिए ये खतरा और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब हरभजन सिंह के खेलने पर भी संशय है, वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे ये बात थोड़े दिन में साफ होगी। लेकिन इस बीच जो जानकारी है वो ये है कि सीएसके के ऑस्ट्रेलियन तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड भी काफ़ी चिंतित हैं अपने खेलने को लेकर। क्या वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे इस पर भी सस्पेंस है और उन्होंने कहा है कि इसको लेकर वो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट से बात करेंगे। वो बात करेंगे कि क्या उन्हें खेलना चाहिए, क्योंकि आपको बता दें कि इस बार उन्हें सिर्फ 2 करोड़ में खरीदा गया है। तो ऐसे में एक वजह ये भी हो सकती है कि बहुत कम उनकी कीमत है, जबकि कई खिलाड़ियों को 8 करोड़ से लेकर 4 करोड़ 8 करोड़ के आसपास में खरीदा गया है। तो ऐसे में एक वजह ये हो सकती है, लेकिन उनका कहना है कि इस वक्त जो वजह है वो सिर्फ ये है कि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और वो काफ़ी डरे हुए हैं। 13 खिलाड़ी पहले पॉजिटिव हुए और अब जब बाकी के धीरे धीरे खिलाड़ी निकल रहे हैं तो उनका कहना है कि मेरे भी खेलने पर अभी सस्पेंस है, लेकिन इसको लेकर उन्होंने कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है। वहीं एक और बात सामने आई थी कि हर फ्रेंचाइजी 46 करोड़ रुपये के नुकसान का मुआवजा मांग रहा है, लेकिन आपको बता दें कि बोर्ड ने इससे इनकार कर दिया है। बोर्ड का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इस तरीके की जो अब तक जानकारी है वो सही नहीं है और अगर आगे ऐसा होता है तो इस पर हम बात करेंगे, लेकिन ये क्लियरिटी अब तक नहीं है कि क्या इस तरीके से फ्रेंचाइजी मुआवजा मांग रहे हैं, क्योंकि बोर्ड ने इससे साफ तौर पर इनकार कर दिया और उनका कहना है कि इस तरीके की खबरें झूठी हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।